जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। सप्तश्रृंगी मातेला आणि नाशिकच्या प्रभु श्री रामचंद्रांना नमन करतो। कल काशी में मैंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लेकर नामांकन किया और आज यहां त्र्यंबकेश्वर की धरती पर हूं। भगवान कालाराम की धरती पर हूं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, आपकी सेवा यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है और अब मैं आपके पास आज आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। और इसलिए यहां के जो नेता है इंडी अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। साथियों, ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है।
और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा, मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो विनाश हो रहा है ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो, ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी, नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। साथियों, इन नकली शिवसेना वाले उस कांग्रेस को सिर पर उठाए घूम रहे हैं जो कांग्रेस वीर सावरकर जी को दिन रात गालियां देती है। महाराष्ट्र की स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त जनता ये जब देखती है, ये जब सुनती है, तो महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। लेकिन अहंकार शिवसेना नकली शिवसेना में इतना आ गया है कि उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना की भी कोई परवाह नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा देने का मन पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है और चार चरण के जो चुनाव हुए हैं इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। साथियों, आज मोदी गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है, आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन हर घर जल उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी भी
न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की नीयत रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। और भगवान राम की यह धरती है एक प्रकार से, तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय यहां पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा, और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा
और ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। भाइयों और बहनों, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले लोग हैं। ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं है, बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। आप देखिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट काल आया, भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया, कोरोना को हराया। इसमें आरोग्य विभाग में हमारी बहन भारती पवार जी, जो इस विभाग को देखती थी, उनका शांत और सेवा भाव बहुत काम आया। आज कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। भारती जी के प्रयासों से यहां नासिक जिले के गांवों में करीब 600 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। यहां दर्जनों जन औषधि केंद्र खुले हैं। इन केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, नासिक की 2 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं के खाते में 6-6 हजार रुपया भेजा गया है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति हो या फिर बच्चों का टीकाकरण, सरकार ने गरीब कल्याण का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया है। साथियों, आपके स्वास्थ्य को लेकर अब तो मोदी ने एक और बड़ी गारंटी दी है। अब महाराष्ट्र के सभी परिवारों के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये मोदी की जिम्मेवारी रहेगी। और इससे जो कमाने वाले बेटे बेटी हैं, उन पर से बुजुर्गों की चिंता कम होगी और बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खर्च कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी का पूरा फोकस किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब के सशक्तिकरण पर है। शेतकारी समाज ने मोदी के 10 साल भी देखे हैं। इससे पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी के भी दशकों का राज देखा है, और तब कृषि मंत्री तो यही महाराष्ट्र के ही थे, लेकिन तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी ने आपकी कोई चिंता नहीं की। आज पीएम किसान सम्मान निधि के
12,000 रुपये हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं, यानी आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपये हर किसान को मिलना तय है। पहले 1 पैसा भी मिलता था क्या? मैं मानता हूं मेरे किसान भाई बहन मोदी को कभी भी भूलेंगे नहीं। कांग्रेस के राज में किसानों के लिए झूठे पैकेज घोषित होते थे। कोई किसान बता दे, क्या आपको इन पैकेज में से 1 रुपया भी मिलता था? साथियों, मोदी किसान हित को हमेशा सर्वोपरि रखता है। नासिक और ये क्षेत्र तो प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार प्याज का बफर बनाने की व्यवस्था शुरू की। पहले के सरकारों में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने पिछले सीजन में 7 लाख मैट्रिक टन प्याज किसानों से खरीदा है। अब फिर सरकार 5 लाख मैट्रिक टन का बफर तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी एनडीए सरकार के प्रयासों की वजह से 10 साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। अभी 10 दिन पहले ही प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया गया है। पिछले 10 दिनों में 22,000 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हो चुका है। सरकार ऑपरेशन ग्रीन के जरिए प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर भी सब्सिडी दे रही है। अब इस मिशन को फिर से लागू किया जा रहा है। इसी तरह यहां जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान बना है उसका फायदा हमारे अंगूर के किसानों को होगा। साथियों, जन कल्याण की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने के लिए डिंडोरी से बहन भारती पवार जी और नासिक से शिवसेना के हमारे साथी हेमंत गोडसे जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, संकल्प पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का हो, पोलिंग बूथ जीतने का हो और अधिक से अधिक लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को आप विजयी बनाएं, एक मजबूत सरकार बनाएं, आपका भविष्य भी उज्जवल हो, आपको बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, इस गारंटी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।